प्रदेश में पिछले लगभग डेढ़ साल से लंबित बहुप्रतीक्षित राजनीतिक नियुक्तियों का दौर अब शुरू हो गया है। प्रदेश में पिछले तीन दिन में भरतपुर, हनुमानगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक जिले के निकायों में मनोनीत पार्षद बनाए गए हैं। अब आने वाले कुछ दिनों में ही प्रदेश के अन्य निकायों में भी पार्षदों का मनोनयन किया जाएगा। प्रदेश भर में ब्लॉक और जिला स्तर पर करीब 10,000 राजनीतिक नियुक्तियां दी जानी हैं। सूत्रों की माने तो पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों के बाद तीसरे चरण में प्रदेश स्तर की नियुक्तियां होंगी। आइए आपको बताते हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों की फहरिस्त में किस किस का नाम सबसे आगे है पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में करीब 52 बोर्ड, आयोगों, समितियों और अकादमियों में प्रदेश स्तर पर नियुक्तियां होनी हैं। प्रदेश स्तर पर होने वाली नियुक्तियों में कांग्रेस के बड़े नेताओं को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसे में नियुक्तियों में जगह पाने के लिए पार्टी नेताओं ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक भाग दौड़ तेज कर दी है। कई नेता और विधायक जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं, तो कई उप मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के यहां अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से मुलाकात कर इन नियुक्तियों में अपनी जगह पक्की करने की जुगत में लगे हैं। बीते कुछ दिनों में दर्जनों प्रमुख नेताओं और विधायकों ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से नियुक्तियों के सिलसिले में मुलाकात की है। वहीं प्रदेश के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दिल्ली आला कमान से सीधे संपर्क में हैं और दिल्ली दरबार के सहारे ही राजनीतिक नियुक्तियां पाने की जुगत में हैं। सूत्रों की माने तो कुछ नेताओं ने पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व राहुल गांधी से मुलाकात की है, तो कुछ ने मिलने का समय भी लिया हुआ है। वहीं कुछ नेता प्रदेश प्रभारी व कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे और सह प्रभारी विवेक बंसल से संपर्क बनाए हुए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी प्रदेश के कुछ नेताओं ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अच्छे संबंध बना लिए हैं। ऐसे कुछ नेता वेणुगोपाल से भी सीधा संपर्क कर नियुक्ति पाने की जुगत में हैं। इन प्रदेश स्तर की नियुक्ति की चाह रखने वाले नेताओं को वरिष्ठता के हिसाब से कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी में जल्द निष्ठावान नेताओं को विभिन्न आयोगों, बोर्ड और निगमों में राजनीतिक नियुक्ति दी जाए, ताकि पार्टी में अच्छा संदेश जाए। पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद बहुप्रतीक्षित नियुक्तियों का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत और आलाकमान के बीच नियुक्तियों को लेकर चर्चा भी हो चुकी है। पीसीसी चीफ व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी पार्टी के लिए पिछले 6 साल से खून पसीना बहाने वाले नेताओं को नियुक्ति दिलाना चाहते हैं। इसके स्पष्ट संकेत भी वो पिछले दिनों दे चुके हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से विचार विमर्श कर चुके हैं। जानकारों की माने तो बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए 6 विधायकों को भी मंत्रिमंडल या राजनीतिक नियुक्तियों में जगह मिलेगी। सूत्रों की माने तो इन 6 विधायकों में से 2 को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और बाकी 4 विधायकों को संसदीय सचिव और निगम बोर्ड में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी तरह सरकार को समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों में से भी कुछ को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। मौजूदा समय में कांग्रेस में ऐसे भी बहुत से नेता हैं जो कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे नेताओं को भी राजनीतिक नियुक्तियों में सम्मानित पद देने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश स्तर पर होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में रामेश्वर डूडी, घनश्याम तिवाड़ी, राजीव अरोड़ा, पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह, डॉक्टर चंद्रभान, धीरज गुर्जर, महेश शर्मा, जुबेर खान, प्रशांत शर्मा, पुखराज पाराशर, गोपाल सिंह इड़वा, गिरिराज गर्ग, रणदीप धनखड़, धर्मेंद्र राठौड़, सत्येंद्र भारद्वाज, सुरेश चौधरी, संजय गुर्जर, मुमताज मसीह, ज्योति खंडेलवाल, अर्चना शर्मा, करण सिंह उचियारड़ा, सुशील शर्मा, सुनील शर्मा, रामेश्वर दादीच, राजेंद्र सिंह सोलंकी, सुनील परिहार, पंकज मेहता, गोपाल बाहेती, ललित भाटी, दिनेश खोड़निया, रतन देवासी, सलावत खान, करण सिंह राठौड़, अरुण कुमावत, महेश शर्मा, गिरिराज खंडेलवाल, कैलाश सोयल, मनोज मुद्गल आदि नेताओं को जगह मिल सकती है। इन निगम और बोर्ड में होंगी राजनीतिक नियुक्तियां। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, अल्पसंख्यक आयोग, राज्य वित्त आयोग, वैदिक शिक्षा संस्कार, किसान आयोग, महिला आयोग, RTDC, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, राजस्थान खादी बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम, आवासन मंडल, डांग विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, मगरा विकास बोर्ड, राज्य हज कमेटी, हस्तशिल्प कला बोर्ड,
केश कला बोर्ड, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, इसके साथ ही निशक्त जन आयोग, गो सेवा आयोग, उर्दू अकादमी, भूदान बोर्ड, मेला विकास प्राधिकरण, घुमंत जातिकरण कल्याण बोर्ड, ओबीसी आयोग, सिंधी अकादमी, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, ब्रजभाषा अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, डेयरी फेडरेशन, ललित कला अकादमी, संस्कृत अकादमी, सार्वजनिक प्रन्यास बोर्ड, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, लघु उद्योग विकास निगम, अंतरराज्य जल विवाद निवारण समिति, धरोहर विकास प्राधिकरण और युवा बोर्ड में वरिष्ठ नेताओं को अध्यक्ष बनाया जाएगा और उन्हें कैबिनेट या राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।